आज अपना टॉपिक है इंटरनेशनल जो है मॉनिटरी फंड के ऊपर, है ना। आईएमएफ की बात करेंगे हम लोग, आईएमएफ की बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बाकी सारक है या फिर एग्रीकल्चर पॉलिसीज है ना, उनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो था नीति आयोग है, इसरो है ना, मेन मेन जो भी इंस्टीट्यूशंस है ना, जो भी है ना, उनके बारे में मैंने आपको करवाया था। जैसे कि बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में, टेलीकॉम के बारे में, नेबार्ड के बारे में, सेबी के बारे में, है ना, आरबीआई के बारे में। इसके अलावा मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो वो भी मैंने राउंड के बारे में, गेट के राउंड है, WTO के राउंड है ना, तो ये सब मैंने आपको करवा दिया। तो फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट है, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप जो फर्स्ट लेक्चर है उसको भी सुन लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का जो लेक्चर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आईएमएफ के ऊपर। तो आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की अगर हम बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन एस्टेब्लिश कब हुआ था, 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। तो ये जो दो बातें हैं इनको तो आप अपने मतलब नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो 100% श्योर है, या तो वो आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, या फिर वो एस्टेब्लिश कब हुआ था इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी मीन्स यूनाइटेड स्टेट में है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 27 दिसंबर 1945 को। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू प्रोमिनेट ए ग्लोबल मॉनिटरी कॉरपोरेशन, स्केयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये करता क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखता है, इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड बाय रिप्लाइंग ऑन द वर्ल्ड बैंक ऑफ रिसोर्स ऑन द पीरियोडिक बेसिस। तो मेनली ये काम क्या कर रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो बना के रख रहा है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक रखता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करता है। तो बाकी जो भी इसके जो वर्क्स हैं, फंक्शन है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेनली इसके मेन जो फंक्शंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज का मतलब समझते हो ना, मतलब दूसरे देश की करेंसी है, हमारे देश की करेंसी है, तो इसमें जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के कोई भी ट्रेड जो है वो कोई भी करना पसंद नहीं करेगा। तो आईएमएफ का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज में स्टेबिलिटी बना के रखता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आईएमएफ इज़ टू मेंटेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड देयर बाय डिस्करेज एनी फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना। जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें फ्लक्चुएशन को कम करके रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा। सेकंड है बीओपी, जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको भी ठीक करता है। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें उसमें भी इक्विलिब्रियम बना के रखेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एंड फंड आल्सो हेल्प इन मेंबर्स टूवर्ड रिमूविंग द लॉन्ग पीरियड डिसइक्विलिब्रियम। जो भी मेंबर कंट्रीज है उनकी भी हेल्प करता है, जो भी लॉन्ग पीरियड डिसइक्विलिब्रियम है उसको भी क्या करके रखता है, बैलेंस में रखता है ना। तो मेनली आपने अच्छे से याद रखना है, जो बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम है उसको दूर कौन करता है, उसको इक्विलिब्रियम में कौन लेके आता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और ये पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। तो फंक्शन आपने अच्छे से माइंड में सेट रखना है कि करता क्या क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ पर वैल्यू, पर वैल्यू का मतलब क्या हो गया, आईएमएफ एवरी मेंबर कंट्री मस्ट डिक्लेयर द पर वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन द टर्म ऑफ गोल्ड और यूएसए डॉलर, है ना। जैसे हमारी करेंसी है तो हम उसको मेंशन कर रहे हैं ना कि पर डॉलर के हिसाब से हमारे जो 74+ है ना हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ये प्रॉपरली डिफाइन हो गया। प्लस गोल्ड की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं ना, गोल्ड में या यूएसए डॉलर में, मतलब पर वैल्यू को भी क्या करता है, डिटर्मिनेशन करता है। अंडर द रिवाइज्ड आर्टिकल द मेंबर्स आर गिवन ऑटोनॉमी टू फ्लोट और चेंज एक्सचेंज रेट एज पर डिमांड सप्लाई कंडीशन इन एक्सचेंज मार्केट एंड ऑल्सो एज पर विद इंटरनल प्राइस लेवल। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है स्टेबलाइज इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी क्या करके रखता है, स्टेबलाइज इक्विलिब्रियम में। द आईएमएफ हैज इंपॉर्टेंट फंक्शन टू एडवाइज द मेंबर कंट्रीज ऑन वेरियस इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी मैटर्स एंड देयर बाय टू हेल्प स्टेबलाइज इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है कि जो भी मॉनिटरी मैटर्स हैं, है ना, जो भी पॉलिसीज बन रही है उसमें भी ये क्या कर रहा है, एडवाइस देता है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें स्टेबलाइज बना रहे। तो मेंबर कंट्रीज को ये क्या करता रहता है,
एडवाइस देता है, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी भी देगा, तो अगर फाइनेंस के अकॉर्डिंग ये हेल्प कर रहा है देन ऑब्वियस है क्रेडिट फैसिलिटी तो देगा। IMF इज मेंटेनिंग वेरियस बोरो एंड क्रेडिट फैसिलिटी सो एज टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज इन करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको दूर करेगा, क्रेडिट फैसिलिटी देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। देन उसके बाद है मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई करेंसी, जो भी अगर सप्लाई करेंसी की ज़्यादा हो रही है या फिर डिमांड ज़्यादा हो रही है उसको भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। IMF आल्सो इंटरेस्टेड विद इंपॉर्टेंट फंक्शन टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेरियस करेंसीज अकॉर्डिंग द फंड कैन डिक्लेयर ए करेंसी एज ए स्केयर करेंसी विच इज़ ग्रेट डिमांड कैन इंक्रीज इट्स सप्लाई बाय बोरिंग इट्स फ्रॉम द कंट्री कंसर्टेड और बाय परचेजिंग दी सेम करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, है ना। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि ये उसमें भी क्या रखेगा, इक्विलिब्रियम रखेगा। लिक्विडिटी को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मतलब केस के फॉर्म में जो भी हमारे हाथ में जो मनी होती है उसको भी मेंटेन करके रखेगा IMF। देन टेक्निकल असिस्टेंस भी है, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल बैंकिंग सर्विस भी देगा डिपार्टमेंट एंड फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग द स्पेशलिस्ट टू मेंबर कंट्री सो एज टू मैनेज इट्स सेंट्रल बैंक्स एंड आल्सो ए फिजिकल मैनेजमेंट, है ना। ये अपने जो स्पेशलिस्ट है उनको भी भेजेगा अदर कंट्रीज़ में ताकि वहाँ पे भी जो है प्रॉपरली मैनेजमेंट होती रहे। तो ये एक क्या है, असिस्टेंस का भी काम करेगा, टेक्निकल वो जो है सपोर्ट करता रहता है। रिड्यूसिंग टैरिफ, क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है कि द फंड ऑल्सो एम एट रिड्यूसिंग टैरिफ एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, जो भी मेंबर्स कंट्रीज़ के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको कम करता है ताकि जो भी ट्रेड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो उसको भी क्या करेगा, टैरिफ जो है उसको कम करेगा। देन जर्नल वॉच का काम भी करेगा IMF ऑल्सो कीपिंग ए जर्नल वॉच ऑन द मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी फॉलोइड बाय द मेंबर कंट्रीज टू इंश्योर ए फ्लोटिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द करेक्टर, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जनरल वॉचिंग का काम भी करता है। तो इसके अलावा IMF के बारे में जो भी मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, आपने मेन हेडक्वार्टर ये आया कब था, देन ये सब आपने प्रॉपरली अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम IMF थोड़ा कॉन्क्लूजन की तरफ चलें तो आपको पता है December 27, 1945 को आया था इन वॉशिंगटन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। अब आपको पता है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में भी मैंने करवाया था ना आपको, तो इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही IMF आया था। बट इट स्टार्ट इन वर्किंग ऑन, बट इसने काम करना कब शुरू किया था, 1 मार्च 1947 को। अब एस्टैब्लिश कब हुआ था ये डेट आपको पता होना चाहिए। देन इसने वर्क कब शुरू किया, देखिए टू ईयर के बाद शुरू हुआ है ना, मार्च में 1947 में। द फंड हैज़ 185 मेंबर कंट्रीज़, और ये भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है कितनी मेंबर कंट्री है, 185। अकॉर्डिंग टू मोर देन 80% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, है ना। तो ये आपने अच्छे से माइंड में सेट करना है, अपने नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा रोल की बात करें, है ना, तो रोल तो आपको अच्छे से पता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना या फिर एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी को लेके आना, है ना। तो ये सारे मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया, वर्ल्ड बैंक के बारे में बाद में करेंगे तो ये आगे करते हैं ना। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो होता है ना वो वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं WTO के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको करवा भी दिया था ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को एज ए रिजल्ट ऑफ द 1994, है ना, विच रिप्लेस्ड जो है ये किसकी जगह पे आया था 1948 में, किसकी जगह पे रिप्लेस हुआ था, गेट की जगह पे, है ना। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड विद 164 मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटिंग ओवर 96% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड GDP। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सबसे ये क्या है, वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, है ना, ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड, है ना। और फर्स्ट जो ये आया कब था, 1 जनवरी 1995 को आया था, तो ये डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसने वर्क करना कब शुरू किया था और मेंबर देश कितने हैं और इसकी फुल फॉर्म को आपने माइंड में अच्छे से आपने याद रखना है। देन इसकी जो 12th
टीओ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना वो जनेवा में हुई थी 2022। अभी जो लेटेस्ट अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फ्रेंस जो थी 12th कॉन्फ्रेंस थी, है ना, 12th थी, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। 12th जो थी कॉन्फ्रेंस जनेवा में हुई थी 2022 में। इसके बाद हम सार्क की बात कर लेते हैं ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। साउथ एशिया मेजर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पोलिटिकल यूनियन आर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी एक तो फुल फॉर्म आपको अच्छे से माइंड में सेट करनी है, और इसके जो मेंबर देश है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो आपने ये अच्छे से माइंड में सेट करना है। इट्स मेंबर एज ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना तो ये मेंबर देश है इसके, है ना। सार्क मार्क्स फॉर 3% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 4.21% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। हेडक्वार्टर आपने याद रखना है काठमांडू नेपाल में, है ना। हेडक्वार्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, काठमांडू नेपाल में जो है हेडक्वार्टर है। एंड एस्टेब्लिश कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। तो आपने डेट को अच्छे से माइंड में सेट करना है। इसके बाद अगर हम सार्क की बात करें तो यहाँ पे जो है इसके जो मेंबर देश हैं, है ना, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो वहाँ पे मैंने कम लिखा था, यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, है ना, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये आपने सार्क के जो मेंबर देश है ना इनको आपने माइंड में सेट करना है। ये वाले जो हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो जो सार्क है इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो थोड़ा सा माइंड में सेट करना कि आपको पता होना चाहिए इसका काम क्या है, कर्तव्य क्या है ना। तो प्रमोट कर रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द साउथ एशिया रीजन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क एज ए डिफाइंड इन द इट्स करेक्टर, है ना, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल्स ऑफ साउथ एशिया, जो साउथ एशिया के पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो उनकी लाइफ की क्वालिटी है उसको भी क्या करेगा, इम्प्रूव करता है ना। इसके बाद ये तो मेनली आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करेगा, सोशल प्रोग्रेस पे, कल्चरल डेवलपमेंट पे ये जो है काम करता है। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, जो भी कंट्रीज़ है ना साउथ एशिया की उसमें मेनली सेल्फ अगर हम बात करें होना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट की अगर हम बात करें ना, खुद के ऊपर डिपेंड, इस तरह से काम स्ट्रेंथ देता है उन्हें, है ना। इसके अलावा म्यूचुअली इनमें क्या होता है कि ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉब्लम्स को आपस में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन, कौन कौन से एरिया में इसकी कॉरपोरेशन है, तो वो है एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट में, एजुकेशन एंड कल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक एंड ट्रेड एंड फाइनेंस में, एनर्जी, इन्वायरमेंट, टूरिज्म, है ना। और इसके अलावा जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मीडिया में भी है, पॉवर्टी को ख़त्म करना उस एरियाज में भी है ना, स्केयरसिटी एक्सेप्ट में भी, जो भी जिसकी कमी होती जा रही है ना उसमें भी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने के लिए भी, फंडिंग मैकेनिज्म के लिए भी, सोशल डेवलपमेंट में भी, है ना। तो यहाँ पे इनकी कॉरपोरेशन चल रही है आपस में मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, है ना। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो सार्क जो समिट 18वीं जो 18th सार्क समिट थी वो काठमांडू में हुई थी 2014 में, है ना। तो अभी हमने जो कॉन्फ्रेंस WTO की बात करी वो तो अभी 2022 में हुई है ना, वो 12th थी, और इसकी 18th जो समिट वो थी काठमांडू में, जो कि 2014 में हुई थी। लेटेस्ट ये वाला हमारे पास डाटा है, तो ये थोड़ा सा माइंड में आप ध्यान में रखोगे। और मेनली जो था ये जो मेन और वोमेन और चिल्ड्रन की जो ट्रैकलिंग हो रही है ना, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में थोड़ा रीड आउट कर लीजिए, तस्करी, है ना, तस्करी समझ रहे हो ना, बेचना खरीदना महिलाओं को, बच्चों को, है ना। तो उस चीज़ को रोकने में बड़ा इसका योगदान है ना, मतलब काफ़ी इन्होंने मुद्दे उठाए थे, या फिर हम बात करें तो उसको ख़त्म करने में इन्होंने काफ़ी आगे मतलब कदम उठाया था कि ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, गलत है, तो ये सब इसमें चलता रहता है।
इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो सारक समिट था वो 18th सारक समिट था जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ था, है ना, 26-27 दिसंबर 2014 में। अभी जो लेटेस्ट डाटा की बात करें तो यही हमारे पास अवेलेबल है इसका। देन नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको IMF, WTO एंड सारक के बारे में अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कुछ भी आपने पूछना हो, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी जो भी है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड NTA नेट है या फिर PU एंट्रेंस, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, PhD एंट्रेंस दे रहे हो या PGT लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, RPSC स्कूल लेक्चरर की पोस्टें भी निकली है, देन आपने कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन करनी हो, देन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। 1960-61 इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IADP, IADP की फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कब आई थी, 1960-61 में, है ना। तो काफ़ी पुरानी पॉलिसीज से लेके लेटेस्ट भी बात करेंगे, बट स्टार्टिंग से थोड़ा बात कर लेते हैं। किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और प्रोवाइड क्या कर रहा है, टू प्रोवाइड लोन फॉर सीड्स आना था यहाँ पे, है ना, सीड्स एंड फर्टिलाइजर टू फार्मर्स, फार्मर्स को जो है फर्टिलाइजर्स एंड सीड प्रोवाइड करती है ना। तो एक तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, देन आपको ये भी पता होना चाहिए आई कब थी, 1960-61 में, है ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IADP। उसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है एग्ज़ाम में बहुत बार इन्होंने पूछा हुआ है, तो आया कब था, 1966-67 में, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और मेनली इसका काम क्या था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, है ना, प्रोडक्टिविटी को क्या करना था, इंक्रीज़ करना था। मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है कि आया कब था, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपने ईयर को जो है याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद अगर TPP की बात करें, 20-पॉइंट प्रोग्राम की बात करें, तो कब आया था, 1975 में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, पॉवर्टी को ख़त्म करना है और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो ये आई कब थी, 1975 में, 20-पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, 20-पॉइंट प्रोग्राम TPP जो कि 1975 में आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की, तो ये कब आया था, 1977 में, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया बार बार, और किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन टू लेबर, ठीक है, प्रोवाइडिंग लेबर्स हैं उन्हें क्या काम के बदले में फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1977 में आई थी, ठीक है, 1977 में। इसके बाद जो है 1977-78 में अनुत्योदय योजना, अंत अयोध्या योजना, है ना, मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी, है ना, एलोकेशंस के अंडर में, द गेम ऑफ राजस्थान प्रोवाइडिंग, यहाँ पे गेम नहीं आना था, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस टू फॉरेस्ट फैमिलीज, जो भी जंगलों में फैमिलीज रहती है ना राजस्थान साइड, उसी साइड, है ना, उनको मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये वाली जो थी योजना आई थी, आई कब थी, 1977-78 में आई थी। मेनली इसका काम क्या था, पॉवर्टी को ख़त्म करना, कम करना, ठीक है। उसके बाद जो थी 1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1980 में आया था, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1980 को लॉन्च हुआ था, और जो डेवलपमेंट थी रूरल पुअर, है ना, जो गांव में गरीब लोग हैं उनकी मेनली इनका मेन फोकस था उनको ठीक करना, तो कब आया था, 1980 में आया था, ठीक है, और IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ठीक है, कब आया था, 1993 में, लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1993 को
एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 days इन ईयर इन विलेजेस, गांव में जो था ये गारंटी वाली स्कीम थी कि आपको साल में 100 days के लिए क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। EAS की जो फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जो कि 1993 में आई थी। उसके बाद है हमारे पास 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, क्या थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड जो अर्बन मतलब शहरों में जो गरीबी है ना, मतलब शहर जो है वहाँ पे भी गरीब लोग हैं, तो उनकी गरीबी को ख़त्म करने के लिए थी, अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट था उसे इनक्रीज करना था, ठीक है। स्वर्ण जयंती, ठीक है, SJSRY, तो थोड़ा सा माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन सी ये वाली योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो कि 1997 में आई थी। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता है, 1999 में आई थी, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अन्नपूर्णा का मतलब क्या था, इसमें भोजन प्रोवाइड करना था, फूड ग्रेन टू एडरली पीपल, जो भी है ना उन्हें 10 kg फूड जो था वो प्रोवाइड करना था अन्नपूर्णा योजना के अकॉर्डिंग, और आई कब थी, 1999 में आई थी। उसके बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम सभी रोजगार योजना भी आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में थी, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, मेनली क्या टारगेट था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो भी मेल फीमेल्स है उनमें क्या होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वर्ण जयंती ग्राम सभी रोजगार योजना थी जो कि 1999 में आई थी। उसके बाद अंत्योदय अन्ना योजना, ये भी उसी की तरह थी, 2000 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर थी ये वाली भी, और इसमें भी क्या था, जो पुअर लोग हैं उन्हें फूड सिक्योरिटी देने का काम था, है ना, अन्न योजना थी ना, यहाँ पे लिखा भी होगा अन्न योजना, अन्ना योजना है ना, 2000 में आई थी, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना आपने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये वाली इंपॉर्टेंट आपकी, तो ये आई कब थी, ये 2000 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में थी, कॉन्टैक्ट ऑल विलेजेस विद नियरेस्ट पक्का रोड, मतलब इनका टारगेट क्या था, गांव में रोड्स बनाना, पक्की रोड बनाना, है ना, तो ये क्या थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 2000 में आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में आपने ईयर को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारे पास है 2004 में जो थी वो थी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्री वेज एंड फूड ग्रेन फॉर वर्क, इसमें क्या था, फूड ग्रेन जो था काम के बदले में देना था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में आई थी, इससे पहले जो पहले वाली थी ना, मतलब काम के बदले में भोजन, तो इसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था उस वाली पॉलिसी में, तो 2004 में कौन सी बन गई थी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2005 में भारत निर्माण, भारत निर्माण भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि कब आया था, 2005 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में था, और इसमें क्या था, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इरिगेशन, वाटर सप्लाई, हाउस होना चाहिए, रोड होनी चाहिए, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा गाँव में होनी चाहिए, तो ये किसके अंडर में था, भारत निर्माण पॉलिसी के अंडर में था, और ये जो भारत निर्माण पॉलिसी है ये आई कब थी, 2005 में आई थी, अच्छे से माइंड में सेट रखना है कि 2005 में भारत निर्माण जो थी वो पॉलिसी आई थी, और मेनली इसका काम क्या था, इरिगेशन खेतों में प्रॉपर होनी चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए घरों में, हाउस होना चाहिए सबके पास, पक्की रोड होनी चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, है ना, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, तो ये सब किस में आता है, भारत निर्माण में। देन स्वच्छ भारत अभियान, ये भी आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो कि अक्टूबर 2014 में आई है ना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, एक तो मिनिस्ट्री आपने ध्यान में रखनी है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, लॉन्च कब हुई थी, 2014 में, और टू हैव क्लीन इंडिया, और इंडिया को कब तक, 2 अक्टूबर 2019 तक क्या था, क्लीन करने का टारगेट था इसमें, एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट फॉर हाउस होल्ड, जो भी ओपन में खुले में जो भी गंदगी फैल रही है उसको ख़त्म करना था, और हर घर में टॉयलेट की सुविधा को देना था, ये किसके अंडर में था, स्वच्छ भारत अभियान में था, और स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, 2014
14 में, और कब तक क्लीन करना था इंडिया को 2019 तक इनका टारगेट था। इंट्रोड्यूस मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना, और अनेबल प्रोवाइड सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द सैनिटेशन सेक्टर, चेंज पीपल एटीट्यूड टू सैनिटेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस, और मेनली लोगों को अवेयर करने का भी मेन इसमें टारगेट था कि बार बार ये जो गंदगी फैल रही है वो ना फैले, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट है या फिर जैसे भी करके उनको क्या था, अवेयर करने का मेन टारगेट था इसमें, है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किल इंडिया के ऊपर। तो स्किल इंडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी आप जानते हो, है ना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लॉन्च कब हुई थी, ये 15 जुलाई 2015 को ही लॉन्च हुई थी विद एन एम टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया। मेनली इसका टारगेट क्या था कि 40 करोड़ जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको क्या करना था, स्किल प्रोवाइड करना था इन इंडिया में स्किल्स बाय 2022 तक। कितने लोगों को, 40 करोड़ पीपल्स को, इंक्लूड वेरियस इंटेंटिव ऑफ द गवर्नमेंट लाइक नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और आपको पता भी है कि PMKVY नाम, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अकॉर्डिंग बहुत सारी पिछले दिनों पॉलिसीज आई थी, काफ़ी योजनाएं आई हुई थी, है ना, कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कंप्यूटर्स का काम था या और ऑल ओवर जो भी काम था, सिलाई था, पेंटिंग था, काफ़ी कुछ कोर्स शुरू हुए थे छोटे छोटे, ताकि लोगों को क्या मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। तो मेनली इसका स्किल इंडिया का टारगेट क्या था कि 40 करोड़ पीपल्स हैं, उनको क्या देनी है, स्किल देनी है 2022 तक, है ना। और ये लॉन्च कब हुई थी, 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। टू क्रिएट जॉब फॉर यूथ, है ना, तो टू क्रिएट जॉब फॉर यूथ ऑफ कंट्री, स्किल डेवलपमेंट इन यूथ मीटिंग स्किल अवेलेबल टू ऑल यूथ ऑफ इंडिया, है ना। ये यहाँ पे वर्डिंग कहीं कहीं पे गलत है, तो सॉरी फॉर, है ना, इसके लिए मुझे, क्योंकि जल्दी जल्दी में PPT बनाते वक्त कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो ही जाती है बीच बीच में। उसके बाद मेक इन इंडिया की बात कर लेते हैं। तो मेक इन इंडिया कब आया था, ये वाला जो था आपका जो है ना, स्किल इंडिया से पहले आई थी मेक इन इंडिया, है ना। तो मेक इन इंडिया लॉन्च कब हुई थी, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई थी, और आपका जो अभी स्किल इंडिया है वो 2015 को आया था, है ना। टू मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया समझ लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। मेक इन इंडिया इज इंटेंटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज मल्टीनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया, है ना। दूसरे देश की कंपनीज़ को इन्वाइट करने का इसमें मेन टारगेट था, या फिर हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ है वहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है उसका काम, प्रोडक्ट प्रोडक्शन होना चाहिए इंडिया में। तो ये टारगेट किसका था, मेक इन इंडिया का था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें क्या था, द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंटेंटिव इज टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन एंड स्किल इन हाउस होल्ड इन 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया वाज इमरेज आफ्टर इंटेंशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इफ़ सक्सेसफुल, है ना। तो मेनली जो इसका मेन टारगेट यही वाला था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, दूसरे देश की कंपनीज़ है, या दूसरे जो देश हैं वो भी हमारे देश में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, है ना। तो मेनली जो था प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करने का काम था, स्किल को इनक्रीज़ करने का काम था, है ना। तो ये जो मेन पॉलिसीज़ थी, इसके अलावा और भी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है या जो लेटेस्ट पॉलिसीज़ है, बहुत सारी आप जानते हो, है ना, बहुत सारी है। इंडियन इकोनॉमी जितनी करते जाओ उतनी कम है ना। तो हम लोग जो हमारा लेक्चर होगा न्यू रिफॉर्म, हमारी जो पॉलिसी है 1991 के ऊपर भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, जो भी पॉलिसीज लेटेस्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या अदर पॉलिसीज है उनके ऊपर भी बाकी लेक्चर्स में अपलोड करूँगी। जो फर्स्ट लेक्चर है वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, है ना, तो वो भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने जो भी इंपॉर्टेंट आपको बताया, IMF काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, IMF है, WTO है, या SAARC की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जो मेन एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है वो भी मैंने आपको बीच बीच में बता दिया, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, है ना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की बात करें, तो ये कुछ पॉलिसीज़ है जिनको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। और इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम है या कुछ टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है जो आपकी आपके कन्फ्यूज़न में है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बाकी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ओके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बाय।